आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर को कितने दिनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। तो देखिए, आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और वे राज्य सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। तो राज्य सरकार एक स्ट्रिक्ट रीजन देकर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंसर्न कर एक आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर सकती है। लेकिन किसी भी आईएएस ऑफिसर को कोई भी राज्य सरकार एक हफ्ते से ज़्यादा सस्पेंड नहीं कर सकती है। फ्रेंड, जब कोई आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाता है तो उसके पर जो भी चार्ज और एलिगेशन लगाए गए हैं उसकी चेकिंग करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई जाती है। यदि उस इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा यदि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 7 दिन से ज़्यादा टाइम दिया जाता है तब आईएएस ऑफिसर को 7 दिन से ज़्यादा दिनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। फाइनली फ्रेंड, किसी भी आईएएस ऑफिसर को 7 दिनों तक ही सस्पेंड किया जा सकता है, उससे ज़्यादा दिनों तक उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है।